एकदम से नीचे जा रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, चल जाएगा काम इजीली। और ये क्या उड़ रहा है? ये बैलून उड़ रहा है, हॉट एयर बैलून है ये। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी बीच फेसिंग वाली सिटी बनाई थी, अब ये सिटी तो जो है सही से ग्रो कर रही है, यहाँ पे मकान भी बन रहे हैं, बट पूरी सिटी के लिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है। अपनी पूरी सिटी में जो है सारे सिटीजन्स बीमार पड़ने लग गए हैं, और उनका बीमार पड़ने का रीज़न वही पुराने वाला है जो स्टार्टिंग में हुआ था, कि सीवर लाइन का पानी जो है सिटी के अंदर जाने लग गया है, और ये जो पीने का पानी यहाँ से पंप हो रहा है इसमें सीवर लाइन का पानी आने लग गया है, और इसका यहाँ पे आने का कारण है ये डैम। ये डैम जो मैंने बनाया है इसकी वजह से यहाँ पे पानी आना रुक गया है, तो इस डैम को जितना पानी चाहिए उस लेवल तक पानी आया नहीं है, इसलिए पानी जो है आगे नहीं जा रहा, और ये यहाँ पे जो है पूरी रिवर सूख चुकी है, तो अब इसलिए यहाँ पे जो है उल्टा हो रहा है, पानी जो है इधर की साइड आने की जगह उल्टा वापस जो है पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ से पानी का फ्लो इस साइड हो गया है क्योंकि इस साइड पानी आ नहीं रहा है, और इधर थोड़ा नीचा भी है, तो जो मैंने सीवेज का बनाया था वो इस साइड बनाया था ताकि जो है पानी यहाँ से आगे की तरफ जा सके, बट अब पानी उल्टा जा रहा है तो पानी इधर की तरफ फ्लो होने लग गया है, और ये टेम्परेरी है, मतलब जब ये डैम शुरू हो जाएगा तब यहाँ पानी आने लग जाएगा, तो पानी वापस नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बट तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, यहाँ पे अपने सिटीजन्स जो है कुछ ज़्यादा ही बीमार हो जाएंगे और अपना यहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो मैंने एक प्लान सोचा है उसके लिए कि जितने भी ये सीवेज के यहाँ पे पंप लगे हुए हैं सीवेज को बाहर निकालने के लिए, इनको मैं यहाँ से हटा के एक ये सेपरेट जगह है यहाँ पे बना दूँ, और यहाँ पे जितना भी ये पानी वाला एरिया है इसको मैं यहाँ से थोड़ी सी वॉल ऊंची करके बंद कर दूंगा, तो यहाँ पे जो है एक प्रॉपर ऐसे दीवार आ जाएगी, और यहाँ पे जितना भी पानी या सीवेज आएगा वो इसी के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, और बाद में जब भी थोड़ा भरता रहेगा मैं इसको ऊंचा करता रहूँगा, और इतने तो जो है अपना डैम भी शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से पानी का फ्लो भी नॉर्मल हो जाएगा, तो मैं वापस जो है इन्हें कहीं और लगा सकता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अभी सीवेज की लाइन लाने के लिए पहले तो मुझे जो है यहाँ पे दीवार ला के इधर का पानी जो है बंद करना पड़ेगा, तो पहले जो है इधर ही दीवार बना लेता हूँ मैं। तो दीवार बनाने के लिए यहाँ से ज़मीन थोड़ी सी जो है मुझे उठानी पड़ेगी। अच्छा, मैंने थोड़ी ऊपर कर तो लिया, बस थोड़ी सी और ऊपर लेके जानी है ताकि सीवेज का पानी जो है यहीं पे अंदर रहे, इसके बाहर ना निकले। तो ये दीवार यहाँ पे उठा दी है, और इससे पानी अभी भी आ रहा है, ये इस साइड को आ रहा है, थोड़ी सी बीच से जो है और उठानी पड़ेगी मेरे को यहाँ से। अभी यहाँ से थोड़ा सा और लेवल इसका ऊँचा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और ऊँचा लेके जाता हूँ पूरी दीवार को यहीं से। तो अब इतना तो सफिशिएंट रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे बाउंड्री बन गई, तो इधर का पानी जो है सेपरेट हो गया, और मैं इन्हीं सीवेज पंप्स को यहाँ से मूव कर लेता हूँ। यहाँ से मूव करके मैं थोड़ी सी ऊंची जगह ही बनाई है, इधर की साइड यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इन्हें मूव करके मैं फ़िलहाल यहाँ पे लाता हूँ। सारे के सारे मूव करने पड़ेंगे, ये अभी मैंने 5 लगाए हुए थे, 5 इधर लेके आने पड़ेंगे, ये 5 यहाँ पे आ गए। और अभी सिटीजन्स जो है कितने सारे बीमार हो चुके हैं, और काफ़ी सारे तो रेस्ट एंड पीस भी हो गए हैं शायद। अभी सिटी में जो है काफ़ी सारे घर भी खाली होने लगे हैं इस चक्कर में, तो सीवेज लाइन वाले जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। अब इन्हें जो है बस लाइन से कनेक्ट करना है, और लाइन यहाँ तक तो आई है, इधर यहाँ से ले जाके पहले इससे कनेक्ट करूँ, ये कनेक्ट हो गया, 5 कनेक्ट हो गए, और पावर इन्हें मिल रही है नहीं मिल रही, ऑपरेटिंग नॉर्मली वैसे हो गए, ये यहाँ से जो है सीवेज भी आने लग गया है, और इधर ये जितना सीवेज इकट्ठा हो गया है पानी के अंदर ये तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा अपने आप। और अभी सीवेज का एरर भी हट गया, एक बार कैपेसिटी भी देख लूँ कैपेसिटी कितनी हो गई है सीवेज की। तो सीवेज की अभी कैपेसिटी 800,000 m³ है, और अभी जो है प्रोडक्शन जो है 3,65,000 है, तो काफ़ी अच्छा खासा एक्स्ट्रा है अभी मेरे पास। अब बस ये पानी का थोड़ा सा साफ़ हो जाए यहाँ से, और एक बार ये डैम का भी देख लूँ, डैम का ये लेवल यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, ये डैम शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा ऊंचा लगा दिया, इस डैम को मुझे हटा के ना नीचे ही लगाना पड़ेगा। और अभी जो है यहाँ से पानी एकदम से आना शुरू होगा, और यहाँ पे अभी डैम लगा के देख लेता हूँ फिर से, इसके लिए अभी 1,00,000 € चाहिए। और चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, फिर से लगा दूंगा यहाँ पर, थोड़ा नीचे करके लगाऊंगा इस बार, और अभी फ़िलहाल पानी यहाँ जाने लग जाएगा तो ये पानी का लेवल भी ठीक हो जाएगा, तो ये जितना गंदा पानी है ये आगे की तरफ चला जाएगा और इधर साफ़ पानी पंप होने लग जाएगा। तो अभी मैं पहले हॉस्पिटल का देख लूँ, हॉस्पिटल में जो हील कैपेसिटी है वो 1,000 की है, और जो सिटीजन्स बीमार हैं वो 2,000 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब मुझे अभी हॉस्पिटल और लगाने पड़ेंगे, बट अभी तो बैलेंस नेगेटिव चला गया। एक मिनट देखता हूँ क्या होता है, मेरे को लोन मिल सके। लोन मैंने पहले एक बार यहाँ से लिया तो था, ये वाले दोनों लोन तो रीपे हो चुके हैं, तो ये ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, और सिर्फ 56,000 € आए हैं अभी। तो सबसे पहले तो मैं एक हॉस्पिटल लगाता हूँ, और हॉस्पिटल इधर की साइड लगाता हूँ अपनी बीच वाली सिटी के यहाँ पर। अभी तो मेडिकल क्लिनिक का ही आ रहा है, तो मेडिकल क्लिनिक लगा दिया, इससे थोड़ी सी जो है कैपेसिटी बढ़ गई होगी, 1,100 की हुई है और 2,000 की चाहिए अभी, और अभी बैलेंस बचा है 42,000 €।
तो मेडिकल क्लिनिक और लग सकते हैं। इस मेडिकल क्लिनिक में यहाँ पावर नहीं आएगा। एक मेडिकल क्लिनिक यहाँ लगा देता हूँ, एक इसके साथ में लगा देता हूँ, तीन चार लगा देता हूँ, इनकी एक की कैपेसिटी 100 की है। अभी थोड़ी देर पहले भी सिटी की डिमांड मीडियम पे पहुँच गई थी और अब रेजिडेंशियल की तो कोई डिमांड ही नहीं बची है और कमर्शियल की लो हो गई है और जो ऑफिस वाला एरिया है उसकी भी जो है कोई डिमांड नहीं बची है। तो सिटी जो है एकदम से लॉस में जाने लग गया है। मुझे लग रहा है अभी भी जो है पानी थोड़ा सा गंदा ही पंप हो रहा है, बट अब तो साफ पानी आने लग गया, यहाँ पे आ गया है साफ पानी, वहाँ से अब पानी का फ्लो जो है प्रॉपर हो गया है और ये गंदा पानी तो आगे की तरफ चला गया है। तो इधर तो और लोग बीमार नहीं होने चाहिए, शायद नहीं हो रहे। एक बार कैपेसिटी देख लेता हूँ कि अपने हॉस्पिटल्स की जो है कैपेसिटी कितनी है। अब तो जितने बीमार सिटीजन थे ठीक होने लगे हैं, 2000 से कम हो गए हैं और हील कैपेसिटी 1400 की है, तो थोड़ी देर में ये कैपेसिटी के अंडर आ जाएगा। तो जितने भी यहाँ ज़्यादातर घर खाली हुए थे सारे मैंने जो है हटा दिए हैं, कुछ रह गए हैं सामने इंडस्ट्रियल जोन के अंदर। तो अब जितने भी सिटीजन बीमार हैं वो हॉस्पिटल की कैपेसिटी के अंडर ही आ चुके हैं, मतलब 1400 की कैपेसिटी है और 1200 सिटीजन बीमार हैं, तो इनका तो ईजिली ध्यान रख लिया जाएगा। ये यहाँ पे दिख रहे हैं काफ़ी सारे बीमार सिटीजन। और अब जो है सिटी अच्छा खासा लॉस में चली गई है, -52,000 यूरो हो चुके हैं। और अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा सिटी को प्रॉफिट में लाने के लिए, पहले तो सिटीजन्स यहाँ से खाली करके भागना छोड़ दें तो मैं कुछ देखूँ आगेगा। अभी तो जो है फिर से और भी सिटीजन्स खाली करके जाए जा रहे हैं, मैंने यहाँ से सारे खाली कर हटा दिए थे। तो अभी आज मेरा प्लान तो कुछ और बनाने का था, बट यहाँ पे सिटी को अभी संभालना पड़ रहा है। अभी किसी तरीके से सिटी एक बार माइनस से बाहर तो आए, अभी जल्दी जल्दी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी पड़ेगी। और अभी वैसे एक तरीका है सिटी को मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट में लाने के लिए कि मैं टेम्प्रेरी थोड़ी देर के लिए सारे टैक्स ना फुल पे कर दूँ 29% पे, तो थोड़ा सा बैलेंस इकट्ठा हो जाएगा। वैसे भी सिटीजन छोड़ के भाग तो रहे हैं, थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देते हैं और फिर एकदम से जो है मैं इसे कम पे कर दूंगा। अभी मैंने पूरा टैक्स मैक्सिमम कर दिया और गेम की स्पीड मैक्सिमम पे कर रखी है, तो सारा माइनस जो है प्रॉफिट में बदल गया। अभी 63,000 यूरो जो है प्रॉफिट में हो गए हैं, 1,00,000 यूरो हो गया। अभी ये नॉर्मल कर देता हूँ, 10% करता हूँ, उस बार थोड़ा सा कम रखता हूँ ताकि और नए सिटीजन यहाँ पे आ सके। और ज़्यादा देर तक यहाँ पे मैंने इतना ज़्यादा रखा तो पूरी सिटी खाली हो जाएगी, सब भाग जाएंगे यहाँ से। 1,43,000 यूरो हो गया और अब थोड़ा सा बैलेंस आ गया, तो फटाफट मैं ज़रूरी काम करता हूँ। ज़रूरी काम जैसे जो है एक तो यहाँ डैम लगाना है, बट डैम लगाने का पंगा भी लेता नहीं क्योंकि उसके चक्कर में जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो गई है। तो पहले जो है और यहाँ पे चीज़ें लगा लेता हूँ, और इधर मुझे जो है पार्क वार्क लगाए थे तो यहाँ पे थोड़े पार्क वगैरह लगा देता हूँ ताकि सिटीजन यहाँ पे आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे पार्क लगाता हूँ, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ये लगा देता हूँ, और ये क्या है, ये डॉग पार्क है, डॉग पार्क भी लगाता हूँ। फैसिलिटी जितनी ज़्यादा दूंगा उतने यहाँ पे सिटीजन जो है जल्दी जल्दी आएंगे। एक स्मॉल पार्क बना देता हूँ, यहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट इधर बना देता हूँ, और ये बैलून टूर्स वाला है, और एक टेनिस कोर्ट बना देते हैं इधर। उसके अलावा एक पिकनिक पार्क बना दिया यहाँ पे, तो इधर की साइड तो अब जो है ज़्यादा लोग आने लग जाएंगे क्योंकि ये अपने बीच फेसिंग वाली जगह है, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ लगा दी हैं। अब इधर तो जो है जल्दी जल्दी आनी चाहिए डिमांड। और वैसे कमर्शियल एरिया की डिमांड जो है फिर से मीडियम पे पहुंच गई है, तो डिमांड तो बढ़ने लगी है और सिटी अभी भी लॉस में ही जा रही है। ये जो है बैलेंस माइनस में ही जाया जा रहा है सारा का सारा, अभी तो जो है बढ़ नहीं रहा। थोड़ा सा टैक्स को बढ़ाता हूँ, 12% करता हूँ, 12% कर दिया तो अब थोड़ी प्रॉफिट में आने लग गई, अब लॉस में नहीं जा रही। तो 12% ही मैंने पहले किया हुआ था, अब 12% पे रखता हूँ, 12% में कम से कम नेगेटिव में तो नहीं जाएगी। और ये क्या उड़ रहा है, ये बैलून उड़ रहा है, हॉट एयर बैलून है, ये सही लग रहा है। तो और इधर की साइड क्या हुआ है यहाँ पे, तो इधर से मैंने जो ये लगाए थे खाली करने के लिए ये खाली हो चुका है, इसको मूव कर देता हूँ अब यहाँ से हटा के, इधर की साइड ही भेजता हूँ। और ये वाला खाली हुआ है अभी, ये अभी 17% फुल है, अभी खाली नहीं हुआ, ये भी 17% फुल है, तो ये खाली हो जाएगा। तो इधर का साइड का एरिया में जो है मैंने यहाँ पर कुछ और बनाऊँगा अभी, तो अभी मुझे थोड़ा ट्रैफिक का सोल्यूशन भी करना पड़ेगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने लग गया है और इधर ट्रैफिक लाइट पे तो लंबी लाइन लग गया गाड़ियों की। और एक मिनट में जरा इसको भी देख लूँ, ये सीवेज वाला मैंने जो बनाया था ये फुल हो गया है और ये सीवेज जो है इससे निकलने लग गया है, यहाँ से ये जो है सीवेज का पानी फिर से आके इस वाले पानी में मिल जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा मेरे को और इसे ऊपर करना पड़ेगा इस वाली दीवार को, कर तो दी सारी सारी दीवार ऊंची। अब ये देखना है कि कितनी देर तक ये इसे रोक पाती है। तो मैं सोच रहा हूँ इन दीवारों को 50-60 फीट ऊंचाई कर दूँ यहाँ पे, पूरा का पूरा गोल ऐसे जो है जितना ऊंचा हो सकता है उतना ऊंचा कर दूँ, इसके अंदर यहाँ पे जो है ये खट्टा होता रहेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहेगा। और उसके बाद जब मैं इधर वाली ज़मीन परचेज कर पाऊँगा तब यहाँ से एक कैनाल बना के ले जाऊँगा, उस कैनाल से ले जाके इधर छोड़ दूँगा, तो ये अपने वाला पानी सेफ रहेगा।
अब बट अभी मेरे पास ये वाली ज़मीन है नहीं, तो मैं यहाँ कैनाल बना नहीं सकता, अभी सिर्फ इतने पे ही काम कर सकता हूँ, तो इतने को ही मैंने ऊंचा कर दिया है। बाकी यहाँ से जो बिल्डिंग्स खाली हुई हैं इन्हें मैं हटा दूँ, इधर इंडस्ट्रियल जोन में भी जो है कुछ बिल्डिंग खाली हो गई हैं। ये जो यहाँ पे बीच में एरिया खाली पड़ा हुआ है, इस एरिया में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मैं और लगा दूँ। पहले एक रोड यहाँ से डबल वाला लेके जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मुझे लगाना है इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज चाहिए प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इधर जो है ना अपने कमर्शियल जोन में गुड्स नहीं है सेल करने के लिए और वो फैक्ट्रीज में बनते हैं, तो कुछ फैक्ट्रीज यहाँ पे नियर बाई होंगी तो सामान मिल जाएगा कमर्शियल जोन में सेल करने के लिए। ये इधर कर दिया, अब जो है इनको पानी की लाइन भी देनी पड़ेगी, पानी की लाइन यहाँ पे है नहीं, पानी की लाइन ये इधर से आ रही है। ये यहाँ पे एक फैक्ट्री बनने भी लगी है, तो जल्दी जल्दी फैक्ट्री बन रही है, तो मेरे को यहाँ लग रहा है कि थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा है, इधर मैं और घर बना सकता हूँ। यहाँ पे तो लो डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन रहने वाला है, यहाँ पे हाई राइज वाले टावर नहीं बनने, नॉर्मल बिल्डिंग ही बनवानी है इधर, और इधर सारा मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। और एक रास्ता ना मैं यहाँ से लेके आता हूँ इधर से, इधर की साइड भी तो अपनी जगह है, यहाँ पे भी कुछ घर बन जाएंगे। इधर भी जो है लो डेंसिटी वाले घर ही रहने वाले हैं, ये थोड़ा आइलैंड टाइप पे हो गया है, ब्रिज पार करना पड़ेगा इसके लिए। इसके लिए पानी की लाइन तो जो है समुद्र के अंदर से लेके आनी पड़ेगी निकाल के, और ये आगे यहाँ तक नॉट इनफ मनी, बैलेंस फिर से कम पड़ गया, तो पानी की लाइन सिर्फ यहीं तक पहुँची है। अभी एक बार बिल्डिंग बन जाएंगी फिर थोड़ा सा देख लूँगा, वैसे मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से मैं टैक्स पढ़ा के देख लूँ, बट नहीं रहने देता हूँ, काफ़ी सारे घर खाली हो जाते हैं, उन्हें तोड़ने का काम बढ़ जाता है। अभी जो है पहले ही ठीक नहीं हुआ है, पहले इतना ज़्यादा इशू हो रहा है, और अभी थोड़ा सा टैक्स वैसे 1-1% बढ़ा के देख सकता हूँ, 1% में शायद थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हो जाए, 12% है, इसको 13% करके देख सकता हूँ, 30% कर दिया, अब थोड़ा सा प्रॉफिटेबल तो हो रहा है, तो अब थोड़ा बैलेंस भी आने लग गया। 13% का टैक्स वाला जो रेट है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे पानी की लाइन डाल दूँ प्रॉपर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी अभी लानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सेपरेट हो गया है और मुझे ब्रिज के इस साइड तक तो जो है लाइन देनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। अभी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन यहाँ तक आ रखी है, यहाँ से इधर ला के छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी हो गया और पानी का भी हो गया, और इधर से तो कुछ ज़्यादा ही स्लोप हो गया, एकदम से नीचे जा रहा है। ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, चल जाएगा काम इजीली। और ये फिर से यहाँ से ओवरफ्लो होने लग गया है, तो इसके लिए या तो मैं यहाँ से एक कैनाल बना के इधर की साइड छोड़ दूँ, तो यहाँ से पानी आगे चला जाएगा। अभी फ़िलहाल यही कर लेता हूँ, बाद में जब ये वाली जगह मुझे मिल जाएगी तब यहाँ से आगे से कैनाल बना के ले जाऊँगा। तो इसके लिए कैनाल बनानी है, उसको यहाँ से ला के इधर छोड़ देता हूँ, ये बना दी, इससे निकल जाएगा पानी। अब इस साइड पानी निकल रहा है, ये उल्टा जा रहा है इसमें, हाँ आ रहा है, उधर का पानी का लेवल ज़्यादा है तो इधर से आना शुरू हो जाएगा, ये इधर से निकलना रुक गया। और यहाँ से कितने प्रेशर से पानी आ रहा है, वैसे मैं इधर की साइड डैम बना सकता था, ये छोटा सा इधर डैम का अगर मैं देखूँ तो इधर डैम का तो बन गया, बट ये तो अभी ओवरफ्लो हो गया, अभी थोड़ी देर में पानी इसका ठीक हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ से सही हो जाएगा ये। और अभी वैसे ये पावर आउटपुट तो नहीं आ रहा इसमें, तो पानी इसमें उल्टा ही जा रहा है अभी, और इस वाले कैनाल को मुझे बंद करना पड़ेगा यहाँ से। और एक डैम मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, यहाँ से भी पानी अब अच्छा खासा आ रहा है, तेज फ्लो हो गया पानी का। इधर एक डैम इस साइड बनाता हूँ, तो डैम को यहाँ पे लगा देता हूँ, और अब तो मेरे को लग रहा है सही लेवल पे लग गया होगा, पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है बट ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ी देर में शायद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जानी चाहिए इसकी भी, इसे शायद मुझे अभी पावर लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे एक बार इसे पावर लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये यहाँ कनेक्ट तो हो गया। और अपनी सिटी में 38,000 की पॉपुलेशन पहुँच चुकी है, न्यू बिल्डिंग अनलॉक हो चुकी है, उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट है और फ्लोटिंग कैफे है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया तो डैम की इतनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, अब डैम का ये फुल तो हो गया है, प्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, अभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इशू क्या आ रहा है इसमें, प्रोडक्शन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है इसका, अभी थोड़ी देर में शायद स्टार्ट हो जाए, और दूसरे वाले को देख लूँ दूसरे वाले की क्या हालत है, दूसरे वाले तो मैंने यहाँ बनाया है, और इसका भी जो है पावर आउटपुट 0 है अभी,
तो इन दोनों को लगा लेता हूँ, उनको बाद में ही देखूंगा। अब तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का ऑप्शन अनलॉक हो गया है, उसे देख लेता हूँ, उससे जो है काफ़ी सारी पावर बन जाएगी। बट ये है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, 2 लाख यूरो का है और पावर आउटपुट का 640 मेगावाट का है। तो ये तो अकेले ही पूरी सिटी की पावर रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल कर देगा। और अभी इस साइड भी जो है घर बनने लग गए हैं, यहाँ पे इस साइड लाइटें तो लग गई, कोई रहने क्यों नहीं आया, इस साइड रहने तो कोई अभी आया ही नहीं है, इस साइड मकान तो बने ही नहीं है एक भी। तो अब जो है नया एरिया भी अवेलेबल हो गया है जो मैं परचेज़ कर सकता हूँ, और ये सारे के सारे एरिया जो है अवेलेबल हैं परचेज़ करने के लिए, बट इनमें से कोई मैं एक ही परचेज़ कर सकता हूँ, और वो एक जो मैं परचेज़ करूँ वो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला परचेज़ कर लेता हूँ, ये पूरा पूरा आइलैंड जो है डेवलप हो जाएगा। तो एक ये वाला मिल गया, अब यहाँ पे जो है मैं पूरे पे सिटी बसा लेता हूँ, तो ये आइलैंड वाली सिटी जो है पूरी अलग से ही हो जाएगी। यहाँ पे पानी की लाइन भी डाल दी और ये रोड्स पे बिछा दिए, और अब बस यहाँ पे कोई आने लग जाए। अभी तो फिलहाल इस साइड जो है एक भी घर नहीं बना है, एक सिंगल घर तक नहीं बना है, इस साइड कोई आया ही नहीं। ये इधर जो घर बने हैं इनको पानी नहीं मिला, पानी का एरर क्यों आ रहा है, पानी की लाइन का, अच्छा यहाँ तक आई है ना, इससे इधर तक नहीं पहुँची। तो इनको जरा पानी की लाइन भी दूँ, ये पानी की लाइन का हो गया, पावर तो इनको मिल रही है। और ये ब्रिज क्रॉस करके आना पड़ रहा है शायद, इसलिए कोई इधर आके घर बसा नहीं रह गया, तो इससे शायद पावर की डिमांड जो है बढ़ गई है। नहीं, कंजप्शन 504 ही है और 505 है, प्रोडक्शन भी इतने के आसपास ही है। पर ये दोनों डैम काम करेंगे भी या नहीं करेंगे, दोनों डैम मैंने लगा तो दिए, अभी तो इनसे आउटपुट आना शुरू ही नहीं हुआ है। और इस वाले डैम के यहाँ तक तो पानी का लेवल भी जो है ठीक आ चुका है, जहाँ तक पानी का लेवल चाहिए वहीं तक है, एग्जैक्टली वहीं पे ही आ रहा है, और फिर भी इसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो इसमें शायद कुछ और लगाना पड़ेगा। अगर किसी को पता है कि डैम में जो है क्या गड़बड़ हो रही है और मुझे यहाँ पे क्या इसमें और एडिशनल लगाना पड़ेगा, तो कमेंट करके बताओ, इसको जो है मैं बाद में ठीक करूँगा। फिर अभी तो जो है मैं दूसरी चीज़ों से काम चला लेता हूँ। अभी वैसे बैलेंस 63,000 यूरो है, 2 लाख यूरो होता तो मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लेता, बट अभी क्या करता हूँ मैं ना थोड़ा बजट बढ़ा देता हूँ तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, यहाँ पे 110% कर देता हूँ उसको। और बाकी यहाँ पे जो लैंडफिल साइट्स ये खाली हो चुकी है, तो इन्हें मूव कर देता हूँ, इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ, ये इधर आ जाएगी। और एक ये वाली है, इसको मूव करके इसी के पास भेज देता हूँ। इसको मैं ना एक लैंडफिल साइट मुझे और जगह ही भेजनी है, एक लैंडफिल साइट मैं क्या करता हूँ तो इधर यहाँ पे कहीं भेज देता हूँ, यहाँ पे भी एरर आ रहा था तो अब ये इधर भेज दिया। और ये 0% फुल हुई है, मतलब पूरी खाली है। और बस सिटी के अंदर देख लूँ, सिटी के अंदर पॉपुलेशन तो काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है। और अभी यहाँ पे देख लेते हैं स्कूल्स वगैरह का क्या स्टेटस है, स्कूल्स में जो और चाहिए या नहीं चाहिए। तो स्कूल की कैपेसिटी 2400 की है, और अभी जो है स्टूडेंट्स इससे ऊपर चले गए हैं, तो एलिमेंट्री स्कूल भी लगाना पड़ेगा, हाई स्कूल भी लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का भी जो है लगाना पड़ेगा, कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी। पहले स्कूल्स वगैरह का देख लेते हैं, और अब मैं जो नए स्कूल्स वगैरह लगाऊंगा वो यहाँ पर लगाऊंगा इस आइलैंड पर, ताकि इस आइलैंड पर भी कोई रहने आ जाए। तो पहले यहाँ पर जो है नया एलिमेंट्री स्कूल लगा देता हूँ, एक एलिमेंट्री स्कूल यहाँ पे हो गया, एक मुझे यहाँ पे हाई स्कूल लगाना है, हाई स्कूल भी इसके साथ में लगा देता हूँ, और एक यूनिवर्सिटी बनानी है। यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, अभी यूनिवर्सिटी के लिए बैलेंस नहीं है। यूनिवर्सिटी है 75,000 यूरो की, और ये वाली है 75,000 यूरो की, तो अभी इनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और बाकी इधर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं आई, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लानी पड़ेगी यहाँ पर, अभी बीच में बिल्डिंग नहीं है तो इसलिए जो है लाइन यहाँ तक लानी पड़ेगी। ये हो गया हाई स्कूल और ये हो गया एलिमेंट्री स्कूल, और अभी तो मुझे काफ़ी सारे एरर क्यों दिख रहे हैं, ये एम्प्टिंग मोड पे क्यों है, इसको नॉर्मली कर देते हैं, सारे के सारे जो है खाली होने के मोड पे लगे हुए हैं, इसलिए शायद ये काम भी नहीं कर रहे हैं, इनको नॉर्मल मोड पे कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है काफ़ी सारे घर फिर से खाली हो गया है, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा सिटीजन्स को बुलाने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए टैक्स बहुत कम कर देता हूँ, एक बार यहाँ पर सारे घर जो है बन जाएँ उसके बाद टैक्स बढ़ा दूंगा, और इंडस्ट्रियल जोन में भी कम कर देता हूँ, कम टैक्स आएगा तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, थोड़ी देर के लिए सिटी लॉस में तो जाएगी, बट जो है उसके बाद एक बार जब फुल हो जाएगी फिर मैं टैक्स थोड़े एक्स्ट्रा ही रखूँगा, तो अपना सारा लॉस जो है रिकवर हो जाएगा। अभी 5% कर दिया, अब थोड़ी डिमांड तो आनी चाहिए, ये बढ़ने लग गया डिमांड यहाँ पर, अभी नो डिमांड थी रेजिडेंशियल जोन की, अब लो डिमांड हो गया, थोड़े दिन में जो है डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर जो है सारे में घर बनना शुरू हो जाएंगे। 5 hours later. अभी जो है यहाँ पे हाउसेस की डिमांड बढ़ाने के चक्कर में मैंने जो है टैक्स काफ़ी कम कर दिया है, और फिलहाल अभी बैलेंस जो है 1 मिलियन यूरो से भी नीचे जा चुका है, मतलब 1.2 मिलियन नेगेटिव हो चुका है। और अब ये सिटी वैसे ऑलमोस्ट फेल भी हो सकती है,
और यहाँ पे थोड़ी सी डिमांड तो वैसे इंक्रीज हो गई है, बट इतनी ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं हुई। तो अब ये सिटी फेल होएगी या बचेगी, अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 1.2 मिलियन का नुकसान रिकवर करना तो थोड़ा टफ लग रहा है, बट मैं ट्राई करता हूँ इस सिटी को रिकवर करने का। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इस सिटी का क्या होता है, या तो ये सिटी फेल हो जाएगी, और फेल हो गई तो फिर ठीक है, फिर इस सिटी को छोड़ देंगे। अगर ये सिटी रिकवर हो गई तो फिर ये सिटी कभी लॉस में नहीं जाने वाली। अगर इतना बड़ा लॉस रिकवर कर लिया इस सिटी ने, फिर तो ये सिटी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।